इंडिया एंड हमने रिवर सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था। इस रिवर सिस्टम में हमने दो रिवर सिस्टम पढ़ा, एक हमने पढ़ा पेरिनियल रिवर सिस्टम जिसे माउंटेनी रिवर सिस्टम कहते हैं। ये जो रीजन है इस रीजन से निकल करके जो रिवर्स आती है उसे माउंटेनी रिवर सिस्टम कहते हैं। तीन है हमारे पास, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके अलावा इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जिसे हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहते हैं, जिसे सीजनल रिवर सिस्टम भी कहते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि जब बरसात का मौसम होता है उस समय इसमें पूरा पानी भर जाता है और जैसे ही बरसात का मौसम खत्म होता है वो पानी खत्म। बट इंडिया इज ए कंट्री ऑफ रिवर्स एंड रिवर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी, सो यू कैन से दैट रिवर हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस एंड देयर इज ए मेजर प्रॉब्लम नाउ एट ए वी आर जस्ट गोइंग टू डाइवर्टिंग द रिवर सिस्टम ड्यू टू द पॉल्यूशन। हम क्या करते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बह के चला जाता है। उसके अलावा जितने भी फैक्ट्रियां हैं जो खास करके फर्टिलाइजर्स बना रही हैं, दवाइयां बना रही हैं, ये पूरे रिवर सिस्टम को डाइमेंट कर देती है जिससे एक्वेटिक सिस्टम खत्म होता है और एक्वेटिक सिस्टम इको सिस्टम को डाइमेंट करता है। इसलिए हमें रिवर को पॉल्यूट नहीं करना है, हमें सेफ और सुरक्षित रखना है। हमारा देश वाटर इकोनॉमी वाला कंट्री है और आने वाले समय में जब वाटर से एनर्जी बनाया जाएगा तो हिंदुस्तान का नाम सबसे बड़ा होगा क्योंकि हमारे पास पानी बहुत बड़े अमाउंट में अवेलेबल है। थैंक यू।